हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जैसा कि दर्शकों आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी है और ऐसे में हर तरफ जन्माष्टमी पर बाल गोपाल की जय जयकार हो रही है। कृष्ण जन्माष्टमी इंडिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हर कोई गोविंदा के रंग में रंगा नजर आता है। कोई इस दिन पर मन लगाकर पूजा करता है तो कोई दही हांडी के खेल में शामिल हो जाता है। ऐसे में हमारा बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है? हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरहिट गानों की जो कि स्पेशली काना पर फिल्माए गए हैं। जी हाँ, हाल ही में फिल्म ड्रीम गर्ल के नए गाने राधा राधे ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर रिलीज होकर फैंस के दिल में जगह बना ली है। वहीं दूसरा सॉन्ग है राधा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये सॉन्ग आज भी दर्शकों की जुबान पर रहता है। वही तीसरा सॉन्ग है मच गया शोर सारी नगरी रे, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया गया ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ ही जाता है। इस गाने में अमिताभ बच्चन दही हांडी को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अब चलते हैं फिल्म ब्लफ मास्टर के गोविंदा आलारे के गाने पर। इस गाने में शम्मी कपूर दही हांडी का खेल खेलते नजर आए थे। वहीं सलमान खान की फिल्म हेलो ब्रदर में चांदी की डाल पर सोने का मोर में सलमान खान भी दही हांडी फोड़ते हुए नजर आए थे। फिल्म हेलो ब्रदर के गाने चांदी की डाल पर सोने का मोर सलमान खान में अपना दमखम दिखाते नजर आए थे। वहीं अब बात करते हैं फिल्म बाहुबली की काना सोजा जरा सा। फिल्म बाहुबली के गाने काना सोजा जरा में दही हांडी की जगह राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया था कि किस तरह राधा कृष्ण को नींद न आने पर प्यार से सुलाती हैं। वहीं एक और गाना है जिसे हम कैसे भूल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी के गाने गो गो गोविंदा की। जी हाँ, फिल्म ओ माई गॉड में सोनाक्षी सिन्हा ने पावर पैक गाने ने के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। जी हाँ, इस पावर पैक गाने ने सब जगह अपनी धूम मचा दी थी और इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा आज भी इस तरह है कि इसके बिना दही हांडी का समारोह मानो अधूरा ही है। वहीं अब चलते हैं गाने फिल्म हम साथ साथ हैं के मैया यशोदा की तरफ। फिल्म हम साथ साथ हैं के गाने मैया यशोदा में जन्माष्टमी की पूरी झलक देखने को मिलती है, जिसमें करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और तब्बू ने बेहद खूबसूरत तरीके से अपने कन्हैया की शिकायत की है। तो दर्शकों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए हम लेते हैं विदा और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।